हिटलर का नाम है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ल्स, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कंपनी किसी भी पार्टी से लोन लेती है, अलग अलग फॉर्म में लोन लिए जाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक से लोगे तो उसको हम लोन कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लो तो उसका बोलते हैं फाइनेंस कहते हैं, डिबेंचर के नाम पर भी एक लोन होता है, बॉन्ड भी एक लोन है, पब्लिक डिपॉजिट भी एक लोन है। हम लोग फिलहाल यहां पर इस चैप्टर में फोकस करने वाले हैं डिबेंचर और अदर देन डिबेंचर। या तो आपने डिबेंचर के फॉर्म में लोन लिया या अदर देन डिबेंचर भी लिया, अदर देन में सब कुछ आ गया। एग्जाम्पल पड़ेगा, एसीटी लिमिटेड है, उसने एचडीएफसी बैंक में अर्जी दी लोन की, कितने लाख का लोन? 50 लाख रुपए। सही है, बैंक ने उनको लोन दे दिया, बट बैंक ने सेक्शन 77 के अनुसार एक ऑब्लिगेशन भी बांधी ऊपर कि अगर आपको लोन चाहिए कितने का, तो आपको साथ में एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी मेरे नाम पर गिरवी रखनी पड़ेगी। तो जब तक आप लोन चुकाएंगे नहीं, उस सिक्योरिटी पर मेरा हक होगा, उस हक को हम क्या बोलते हैं, चार्ज, चार्ज होती लैंड। सुनते चलना, पे सुनते चलना, लैंड की वैल्यू कितनी है? 70 लाख। आपको तो पता है ना कि जो लैंड की वैल्यू होगी वो लोन वैल्यू से ज्यादा ही होनी चाहिए, तभी तो कोलेटरल कहा जाता है, समथिंग एडिशनल टू द लोन वैल्यू। सुनो पूरी बात सुनो, तो क्या बोला कंपनी ने, क्या बोला? हाँ ठीक है, आपके नाम पर जमीन गिरवी रख देते हैं। ये बात सिर्फ बोलने से नहीं होगी, आपको गिरवी रखने के लिए सबसे पहले ध्यान देना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर, मतलब क्या होगा, सुनना पड़ी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे कंपनी ने क्या कहा कि आपके नाम पर ये जमीन गिरवी, तो बैंक खुश बोलता आपने मेरे नाम पर चार्ज क्रिएट कर दिया, वो जमीन के कागजात मेरे पास भेज दिए आपने। हाँ आप कह रहे नहीं इससे बात नहीं बनेगी, बोलता है इसका रजिस्ट्रेशन करवाओ किसके पास, आरओसी के पास, और आरओसी को बोलो कि वो एक डिटेल रजिस्टर बनाएगा आपके पास, उसका नाम क्या होगा, रजिस्टर ऑफ चार्जेस क्या होगा, और उस डिटेल को कहाँ डालेगा, एमसीए की वेबसाइट पे। और अब जो भी दूसरा आदमी फ्यूचर में लोन लेने आएगा वो एमसीए की वेबसाइट पे पढ़ के आएगा कि इस कंपनी का क्या क्या गिरवी है। क्या बोलेंगे इसको, कंस्ट्रक्टिव नोटिस। क्या बोलेंगे, क्या आप पढ़ के आओगे ना, पब्लिक नोटिस हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां तक तो क्लियर हुआ। तो यहां सिर्फ चार्ज क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी, चार्ज को रजिस्टर्ड भी करना होगा किसके पास, और आरओसी उसकी डिटेल पूरी कहां डाल देगा, एमसीए की वेबसाइट पर। और जो एमसीए की वेबसाइट पे गया मतलब पब्लिक डॉक्यूमेंट हो गया। यहां तक क्लियर? तो चार्ज को रजिस्टर्ड करने से पहले क्या करना होगा, चार्ज को क्रिएट करना पड़ेगा, मतलब अपने पास एक खुद एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, और उसमें लिखना पड़ेगा एचडीएफसी के नाम पर 70 लाख की एक लैंड गिरती है, और उसकी जो भी डीड होगी, व्हाट इज डीड, डॉक्यूमेंट्स होंगे, वो सब आपको एचडीएफसी के पास में गिरवी रखने पड़ेंगे। सुनते चलना, पूरा एग्जाम्पल सुनना, ये ऑब्लिगेशन आप पर किसने डाला, सेक्शन 77 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। उसी बीच में जब वो लैंड गिरवी थी किसके पास, एचडीएफसी के पास, आपने एसबीआई से भी लिया कितने लाख रुपए का, और आगे पढ़ो क्या लिखा है, सेम लैंड को गिरवी रख दिया, बट यहां तो दिक्कत हो जाएगी ना, 5 लाख का दिक्कत है रहेगी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 50 लाख तो क्या है उधर गिरने। बोलता है ये गलत बात है, ये गलत चीज है। अब मेरा एक सवाल है, अगर ये डॉक्यूमेंट यहां ऑलरेडी क्या है बोलो ना, तो ये बात तो इसको भी पता होनी चाहिए ना, गधे को ये पढ़ के आना चाहिए ना, वही कहने की कोशिश कर रहा है वो, देखो क्या लिखा है,
जल्दी पढ़ो क्या लिखा, बिफोर एंटरिंग इन टू कॉन्ट्रैक्ट एसबीआई विल वेयर एसबीआई क्या करता है, नॉलेज अबाउट दी क्रिएशन के ऑलरेडी ये लोन किसके नाम प्रॉपर्टी किसके नाम पर गिर रही है, तो वो इससे बच सकता है कि नहीं बच सकता है फ्रॉड से, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड ना, ऐसा नहीं है कि एक ही जमीन को आप दो लोगों के पास गिरवी नहीं रख सकते, अगर दोनों लोग राजी हैं तो चलेगा, दोनों लोग राजी हैं तो, पर यहां पता ही नहीं था एसबीआई को, तो बोलता है आपको पता चल जाए इसलिए हमने सब कुछ कहां डलवा दिया है, तो एमसीए की वेबसाइट पर डालेगा कौन, आरओसी को बताएगा कौन कंपनी, तो पहले क्या होगा क्रिएशन, क्या होगा रजिस्ट्रेशन से, क्रिएशन से बात नहीं बनेगी, आपको अपने कागजात एक डॉक्यूमेंट में डिटेल के साथ में किसको भेजने पड़ेंगे, आरओसी, तब आरओसी उसको रजिस्टर करेंगे, और आपको तो पता है हर चीज को रजिस्टर्ड करने का क्या है अपना एक, अगर आपने ध्यान देना बेटा, अगर आपने डिवेंचर के फॉर्म में लोन लिया है, किस फॉर्म में, पब्लिक से लोन लिया है, तो आप एज ए कंपनी आरओसी को इस फॉर्म में सब कुछ बताएंगे, चार्ज 9, चार्ज फॉर्म नंबर 9, अदर देन डिवेंचर है, बॉन्ड हो गया, डिपॉजिट्स हो गए, CHG 1, यानी आरओसी को बताने का ये फॉर्मेट है, ये किसके लिए है, अगर आपने लोन किस नाम पे लिया है, और ये क्या है, और सर फिर ये तो हमने डिटेल भेज दिया आपको, अब वो क्या करेंगे, वो ये डिटेल को लिखेंगे, रजिस्टर बनाएंगे, और रजिस्टर की पूरी डिटेल एक फॉर्मेट में भेजेंगे, किसको, एमसीए को, तो वो कौन से फॉर्मेट में भेजेंगे, आरओसी CHG 2, क्या बोलेंगे इसको, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्या मैं कह सकता हूँ ये रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अरे बोलो ना कौन सा डॉक्यूमेंट बन गया, ये फॉर्म्स मत भूलना, ये तो खेल है, ये तो डिटेल में हम पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको बेसिकली समझा दिया, जब मैं 12th में आपको एसपी पढ़ाता था तो ये सब पढ़ाता था, बट फॉर्म्स नहीं पढ़ाता था, क्योंकि था नहीं ना जबरदस्ती क्यों पढ़ाएंगे, सिर्फ फॉर्म ऐड हो गया, बाकी पूरा इजी है, आप देखो ना गौर से, आप बोलो एसीटी लिमिटेड अगर चार्ज को रजिस्टर करेगा किसके पास, अगर डिवेंचर उसी किया तो कौन से फॉर्मेट में, CHG 9, अदर डिवेंचर है तो CHG 1, आरओसी रजिस्टर करेगा काय में, CHG 2, इतना इजी तो है, यही तो पढ़ना है पूरे चैप्टर में, यहां तक क्लियर हो गया, अरे बोलो अब आ जाते चैप्टर पे, भाई साहब डेफिनेशन पढ़ेंगे 2-16, बट 16 पढ़ने से पहले एक चीज ध्यान रखना बच्चों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अगर एक्स ने, एग्जांपल करो एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी ने अगर लोन लिया किससे, 50 लाख रुपए का, और गिरवी रखा अपनी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उठा के देगा कि उसके कागजात देगा, उसको बोलते हैं हम लोग मॉर्टगेज ऑफ डीड्स, जब भी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी बेटा, को गिरवी रखा जाए तो उस प्रोसेस का नाम क्या होता है, मॉर्टगेज ऑफ डीड्स, आप प्रॉपर्टी तो गिरवी रख नहीं सकते ना, क्योंकि वो तो जमीन से जुड़ी है, तो आप उसके बोलो डॉक्यूमेंट्स ही तो गिरवी रखेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स किसके साथ अटैच रहेंगे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, इसके साथ में इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज, ये पहला एग्जांपल हुआ कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को भी गिरवी रखा जा सकता है उनके डॉक्यूमेंट्स, सही है, दूसरा एग्जांपल, ये सेम एक्स ने एचडीएफसी से लोन लिया 10 लाख रुपए का, ध्यान देना, और गिरवी रखा गोल्ड 12 लाख रुपए का, बोलो भाई साहब, सर गोल्ड तो मैं उठा के दे सकता हूं, मैं नहीं तो गोल्ड उठा के दे सकता हूं ना, तो इसको बोलेंगे प्लेज, प्लेज वर्ड यूज होता है फॉर प्रॉपर्टी,
यहाँ गोल्ड के कागजात देने की सिर्फ जरूरत नहीं, हम गोल्ड उठा के दे तो वो बैंक का हो जाएगा। अब सुनना पूरी बात, बैंक क्या बोल रहा है, तू जब तक मेरे पैसे नहीं चुकाएगा तब तक मैं गोल्ड पे लीन रखूंगा। अब लीन का मतलब मैं नहीं बताऊंगा, आप ये पता है आपको, जब तक पैसे नहीं चुकाएगा मैं गोल्ड पे क्या रखूंगा, लीन। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वर्ड क्या आएगा, प्लेज का मतलब ही वैसे होता है कसम, कि मैं कसम खाता हूं कि पैसा वापस कर, जब तक वापस नहीं करूंगा आप मेरी प्रॉपर्टी मेरे को वापस मत करना। तो यहां पर क्या ट्रांसफर हो रही है, प्रॉपर्टी के साथ साथ उसके डॉक्यूमेंट भी जा रहे हो, यहाँ पर सिर्फ क्या ट्रांसफर हो रहा है, तो प्रॉपर्टी कैसे करोगे, जमीन से जुड़ी है ना। अब आ जाओ यहाँ पर आप, अब डेफिनेशन पढ़ के मुझे बताओ समझ रही है, आराम से पढ़ना। क्या लिखा, चार्ज हैज बीन डिफाइंड एज एन, आपका इंटरेस्ट है एज ए क्रेडिटर, आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, किस रूप में है सर, मॉर्गेज में है तो कागज में इंटरेस्ट है, मूवेबल प्रॉपर्टी है तो क्या कर लूंगा, लीन कर लूंगा। किन चीजों पर इंटरेस्ट शो कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी पर या फिर आपकी सेट्स पर। प्रॉपर्टी आया तो यहाँ मूवेबल भी आएगा, टेंजिबल भी आएगा और इंटेंजिबल सब आता है। ये एसेट्स और प्रॉपर्टी किसकी है बेटा, कंपनी की है या उसकी किसी, बोलो 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 बोलो, अंडरटेकिंग की है। क्या होता है अंडरटेकिंग का मतलब, उसकी होल्डिंग, उसकी सब्सिडियरी कोई भी हो सकती है, और बोथ ऐसे बोलो कैसे कैसे गिरवी रख रहे हो, ऐसे इंक्लूडिंग अ मॉर्गेज, मॉर्गेज में लिख दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो गोल्ड पर हक जताने के लिए उसने गोल्ड ही ले लिया, बट प्रॉपर्टी पर हक जताने के लिए प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, क्या मिलेंगे उसके, डीड्स मिलेंगे आपको, बस खत्म। आज तो चार्ज का मतलब क्या हुआ, अधिकार ना, कि मेरे पास अधिकार है जब तक मुझे पैसे, नीचे क्या लिखा पढ़ो, चार्ज मीन्स कंट्रोल एंड राइट्स ऑफ द क्रेडिटर ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। कुछ समय के लिए कंट्रोल दे दो या कुछ समय के लिए अधिकार दे दो, यहां तक क्लियर। अरे बोले यार, कभी कभी क्या होता है बच्चों, ये एग्जांपल सब लिखना है आखिरी में, सब ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, ये सेम कंपनी की बात लेते हैं, इन्होंने एचडीएफसी से लोन लिया 10 लाख रुपए का, बट फॉर दी 6 मंथ, अब 6 महीने में पैसे चुकाने हैं। अब 6 महीने के लिए थोड़ी ना अपनी जमीन जायदाद गिरवी रख दूंगा, तो बोलेगा भाई साहब एक काम करो, मेरे इन्वेंट्री में जितना भी माल पड़ा हुआ है वो आपके नाम पर गिर गई, वो माल की वैल्यू रोज चेंज होती रहेगी, क्योंकि वो तो बिकते रहेगा, बनते रहेगा, बिकते रहेगा। तो ऐसी सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू क्या हो रही है रेगुलर बेसिस पे, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस क्या लगता है आपको, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सेम रहेगा कि हर दिन, इट विल चेंज, इवन अगर इन्वेंट्री रखी भी रही तभी वैल्यूएशन गिर जाएगा, अगर वहां से माल बिका भी नहीं तभी इन्वेंट्री की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होगी, रखा हुआ सामान तो पुराना होता है ना। जल्दी से पढ़ो काइंड्स ऑफ चार्ज में क्या लिखा, आराम से पढ़ना आ जाएगा। पहले फिक्स चार्ज पढ़ो क्या लिखा, अ चार्ज इज फिक्स्ड और स्पेसिफिक मेड स्पेसिफिकली टू कवर, आपको पता है कौन सी एसेट्स आपके नाम पर गिरवी है, वो अनसर्टेन है और डेफिनेट है ना, आपको उसका नाम भी पता है, जगह भी पता है, उसके डॉक्यूमेंट भी आपके पास में, सही है। और अगर नहीं पता है तो कैपेबल ऑफ बी, पता लगा लूंगा, कहां से पता लगाऊंगा, आरओसी के पास पढ़ा है ना डिटेल, वहां देख लूंगा कौन सी मेरे नाम पर है, कौन सी किसके नाम पर है। लिखा देखो, एट द टाइम ऑफ जब क्रिएट कर रहे हो ना, देख लो कि कहीं यही जमीन किसी और के नाम पर तो गिरवी नहीं है, तो आपको तो पता है ना, अगर किसी और के नाम पर गिरवी है तो दो कंडीशन होगी, आपके नाम पर भी गिरवी हो सकती है, और अगर पूरी गिरवी है तो आपके नाम पर नहीं भी हो सकती है, आपको डिपेंड, बताया ना मैंने, अगर नेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऑलरेडी एक बैंक के पास है और यही प्रॉपर्टी किसके नाम पर गिरवी रख रहा है वो, तो अगर बैंक मान जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी पढ़ाया। पर एक और एग्जाम्पल सुनो, अगर इसकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ की है और यहाँ लोन कितने का है, 50 लाख का, तो बचे हुए 50 पे किसको लोन ले देंगे हम लोग, किससे लोन ले लेंगे भाई, ये भी किया जा सकता, जमीन का एक टुकड़ा गिरवी रख सकते हैं ना, चार्ज क्रिएटेड ऑन लैंड बिल्डिंग एंड हैवी मशीन्स। तो मेरा एक सवाल है, कंपनी के पास से प्रॉपर्टी चली गई कि प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार चले गए, ये तो यूज तो अभी भी यही लोग कर रहे होंगे ना, जमीन पर धंधा तो ये लोग करेंगे, मशीन से धंधा ये लोग करेंगे। फिर बोलो यार, तो कह देखो क्या हो गया, राइट टू बेचने का अधिकार गया, यूज करने का भी है, मतलब दे हैव द राइट टू यूज, नॉट राइट टू डिस्पोज,
देवर राइट टू यूज द प्रॉपर्टी। अरे धंधा तो यहीं से करेंगे ना भाई, बिजनेस तो यहीं से करना है, पैसे तो यहीं से चुकाऊंगा तुम्हारे। सही है। फ्लोटिंग चार्ज इज अ चार्ज ऑन ए क्लास ऑफ एसेट्स जो अभी हैं या फ्यूचर में आने, सारे फ्यूचर में आने वाली का एग्जांपल दो, बिल रिसीवेबल्स, जो पैसा खुद मुझे खुद नहीं मिला, मिलने वाला है, लिख लो वहां पर बिल रिसीवेबल्स। सर ये डेफिनेट है क्या? नहीं पता। अब इन्वेंट्री में अभी जो माल है पता नहीं ना एक अगले हफ्ते में क्या होगा। इन्वेंट्री में जो अभी सामान रखा अगले हफ्ते हो सकता है वो सामान ना हो, कोई और सामान हो। तो इन्वेंट्री में रखे हुए सामान को गिरवी रख रहे हो कि उसकी वैल्यू को गिरवी रख रहे हो? वैल्यू कि इतना सामान हमेशा रहेगा ना। हाँ इतने का सामान हमेशा पड़ा रहे। क्या क्या लिखा है? और सन्ड्री डेटर्स। अरे बोलो यार, क्या लिखा बेटा? द कंपनी फ्री टू डील विद द प्रॉपर्टी अंटिल द होल्डर्स ऑफ चार्ज टेक स्टेप टू एनफोर्स। व्हाट इज दैट मीन? इन्वेंटरी में रखे हुए माल को तुम बेच सकते हो कब तक? जब तक वो आके अपना हक ना जता दे। अरे बेचोगे ना तो पैसे कमाओगे। लिखा सही है। अब सुनना पूरी बात, अब सुनना, सुनना पूरी बात। गिरवी रखा, आपने 10 लाख रुपए का लोन लिया, आपने इन्वेंटरी को चार्ज किया। ध्यान देना, इन्वेंटरी के गुड्स को चार्ज किया गया, उसके वैल्यूएशन को, वैल्यूएशन को सर, क्योंकि गुड्स तो क्या होते रहेंगे कि चेंज, नया माल आएगा पुराना माल जाएगा, यही होता है ना। दैट इज हाउ। सुनना पूरी बात, एचडीएफसी को ऐसा आभास बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ना बहुत जल्दी इंसॉल्वेंट होने वाली है। हो जाता है, बड़े बड़े क्रेडिटर्स को ज्ञान रहता है, तो जहां इनको ऐसा आभास होगा कि कंपनी बंद हो सकती है, ताला लग सकता है, धंधे पानी चौपट हो सकते हैं, उसी दिन एचडीएफसी, ध्यान देना, उसी दिन एचडीएफसी क्या बोलेगा कंपनी को, भाई सुन, आज है 5 नवंबर, अभी मेरे को आज पता चला है कि तेरे पास मार्च तक माल बचने वाला नहीं है, तो वो तो कोई आके ले जाने वाला तेरे से, तो बहुत सारे लोन वोन लेके रखा है, तो अभी 5 नवंबर के तेरे पास जितना भी सामान है ना मेरे को दे, मैं बेच के पैसा रिकवर करूं। तो जो सामान कंटिन्यूसली क्या हो रहा था, फ्लोट हो रहा था, क्या हो रहा था, आपने एक दिन जाके क्या बोला, ये अभी जो भी है ना आज दिन मेरे को चाहिए, आपने फ्लोटिंग को क्या कर दिया, फिक्स। फ्लोटिंग को क्या कर दिया आपने, फिक्स। बोला आज जो भी पड़ा है ना सब मेरे को दो, या मेरे को बेच दे दो, और मुझे क्लियर कर दो इस बात में कि मेरा पैसा डूबेगा, जल्दी से पढ़ो क्या लिखा है। सर इसमें अगर कोई टाइम पीरियड हो तो? टाइम पीरियड था ना 1 साल का, मेरे को डर लगा कि 1 साल तक सरवाइव नहीं करेगी कंपनी, तो मैं चले गया। मैं बोला भाई साहब ये इन्वेंटरी तो बचने नहीं वाली है, तो जो है मेरे को बेच बाज के जान दो, मुझे क्रिस्टल क्लियर कर दो आपके, ये मेरा है ना, हमें लेके जा रहा हूँ। क्या टॉपिक का नाम क्या है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ चार्ज। मुझे चार्ज को लेके क्लैरिटी नहीं है, मुझे क्लियर करो अभी जितना सामान है। तो ये ड्यू डेट पे गया कि ड्यू डेट से पहले चले गए? पहले चले गए। अब पढ़ो जल्दी से, आराम से पढ़ो, जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है, आराम से आ भी जाएगा तुमको। कब आएगा ये? कब कब आप फ्लोटिंग को फिक्स में कन्वर्ट कर लोगे, बोलो। कंपनी ने क्या करती है टर्म्स और कंडीशंस को? दूसरा बोलो, कंपनी का बिजनेस क्या होने वाला है? तीसरा बोलो, आगे 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 कोई और क्रेडिटर आके चार्ज लेने वाला है, हो सकता है? लास्ट क्या लिखा है? ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट हो गया। भाई ऑफिशियल रिसीवर कौन होता है? कोई और क्रेडिटर के क्योंकि यहाँ तो सामान रखा हुआ, रोज क्या हो रहा है,
तो वो बोलेगा कितने कितने तेरे पास बिल रिसीवेबल्स आया? सर अभी 15 बिल है, मेरे नाम पर रख। अरे वो और आने वाले, अभी ये वाला मेरे नाम पर रख। तो जो फ्लोट था उसको अपने तो ये चीजें डरा रहे थे, ये पास सिचुएशन। बोलता मेरे अलावा और भी क्रेडिटर है, आके लेके चले गया तो वो क्रेडिटर क्या ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, वो आके लेके चले गया तो मेरे को क्या मिलेगा? हमें पता चला तुम्हारा धंधा ज्यादा दिन चलने वाला, तुम लिक्विडेशन में, तो ये कंडीशंस है, तो मुझे तुम पर भरोसा, मुझे मेरी सिक्योरिटी का फिनिट और सर्टेन वैल्यू चाहिए जो मुझे नहीं मिलने वाली फ्यूचर में। तो आपने क्या कर दिया चार्ज को बताओ, फिक्स क्या कर दिया? एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा कौन सा चार्ज फिक्स होगा, तो आंसर क्या दोगे? फ्लोटिंग चार्ज फिक्स होगा इन 5 कंडीशन। किसके कहने पर? क्रेडिटर के कहने पर। किसके कहने पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत क्वेश्चन आप एग्जाम। आपको समझा क्या मैंने क्या बोला? तो बोलता सर वो सिख सिख क्या बोल रहा है, सर और बिल आने वाले, और बिल का पैसा आने वाला, वो उनको दे देना, मेरे पे 15 बिल मेरे लिए रख दो। घर में खाना बनता है, फेवरेट सब्जी बनी, पता चला और लोग आके खा जाएंगे, तो क्या मम्मी मेरे उठा के रख देना लग से। मेरे को क्लियर कर दो कि मैं भूखा नहीं मरने वाला हूं, वैसे ये बोल रहा है। मुझे क्लियर कर दो कि इतने बिल मेरे नाम पर, क्योंकि बिल क्या हो रहे हैं हर दिन यूज हो रहे हैं, की फ्लोटिंग सही है। और क्या करेगा? अगर इन्वेंट्री में रखा हुआ माल है तो अपने आदमी को बिठा देगा, देखना रे एक भी सामान बेचे ना, और अगर बेचेगा तो तेरी परमिशन से बेचना चाहिए, और पैसा तेरे पास आना चाहिए, मतलब मेरे लिए इकट्ठा करो ऐसा पैसा, सही है। एक सेकंड पढ़िए आप लोगों को एक बार। हाँ बोलिए। हाँ आइए तो एक बार रीड आउट करो फटाक से, रीड आउट। बोलो। वेट 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 कर लो, ठीक है चलो बाय। पूरा लिख के रखो मैं, फ्लोटिंग चार्ज बिकम्स फिक्स चार्ज ऑन द डेट। बताओ किसने किया? बाय द लेंडर। बोलता है जितना भी माल है मेरे लिए रख दिया, अवेलेबल फॉर रियलाइजेशन फॉर द रिपेमेंट ऑफ मनी। और ये क्या लिखा है? बोलो क्या हुआ इसका मतलब? डू नॉट अलाउ देम टू यूज सेल मोस्ट लाइक रॉ मटेरियल स्टॉक्स एंड फिनिश गुड्स, इनको यूज मत करने दे। ये आप सब लिख के रखें, आपको हेल्प होगी एग्जाम में पढ़ने के लिए। लिख लो ये। बोलता जितने अवेलेबल है सब मेरे को दे दो। चार्ज का मतलब क्या होगा? आप अपना अधिकार और अपना कंट्रोल किसी अगर ये डायग्राम भी बना के आए, मतलब डायग्राम भी बना था, मतलब ये बना सकते हैं और ऊपर का पूरा पॉइंट लिख सकते हैं, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, बहुत अच्छा लिखा हो कि आप कंपनी को क्लियरली कहते हो कि आप इसको ना यूज करोगे, और अपने अभी बड़े फिक्स चार्ज में वो यूज कर सकते हैं मशीन को, धंधा तो वहीं से करेंगे ना। और यहां पर फ्लोटिंग में क्या कर रहे हैं? पहले यूज कर रहे थे, अब यूज करने से रोक लिया अपने, फिक्स कर दिया आपने, फिक्स
वो राइट्स को फ्रीज कर लिया एक जगह पर, और जितना भी माल है जितना भी सामान है वो अवेलेबल होना चाहिए किसके लिए, रियलाइजेशन के लिए, कि बेच के मुझे पैसा मिल जाना चाहिए। अच्छे से लिखो यार, बढ़िया नोट्स वोट्स बनाओ अच्छे से, मजा आना चाहिए पढ़ने में, मजा नहीं आएगा। चलो आगे बढ़े। अरे लिखेगा, लिखा क्या तूने, पूरा लिख लिया ये तो लिखना फिर क्या कर रहा है। फॉर रिपेमेंट ऑफ मनी बाय द लेंडर, आएगा तो बरसी थोड़ी देर में भेजता हूँ, पढ़ा रहा हूँ ठीक है, भेजता हूँ। चलो 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 आगे आ जाओ, आगे लिख लिए, अब एग्जाम में लिखना है ऐसा, बिल्कुल बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलो अब सेक्शन 77, बहुत इजी है, पता है ये लोन लिया किसने, कंपनी ने, तो चार्ज क्रिएट भी कौन करेगा कंपनी, और उसको रजिस्टर्ड भी कौन करेगा, अगर रजिस्टर्ड करेगा किसके पास, वो आरओसी, आरओसी फिर उसको कहाँ डाल देगा, वेबसाइट। बोलो क्या लिखेगा, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी टू क्रिएट चार्ज, कितने दिन के अंदर पैसे, बताओ पैसे लेने के कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर। प्रॉपर्टी कहाँ हो सकती है आपकी, इंडिया में भी हो सकती है और इंडिया के बाहर, डिपेंड अपॉन द लोकेशन ऑफ द एसेट्स, क्या क्या गिरवी रख सकते हो आप, प्रॉपर्टी, एसेट्स और अंडरटेकिंग, चाहे टेंजिबल हो या इनटेंजिबल। असर अदरवाइज का मतलब क्या हुआ, अब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के तो टाइटल ही दोगे ना, प्रॉपर्टी कहां दिखती है। अरे बोलो यार, अब वो प्रॉपर्टी भी कहां हो सकती है, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर। ये आपका हुआ बेसिकली सेक्शन 77, जो क्लियरली बोल रहा है चाहे प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर, उसको भी गिरवी रखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल, चाहे वो प्रॉपर्टी आपने कहाँ खरीदा था बताओ, इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, अगर इंटेंजिबल है तो क्या गिरवी रखते हैं ना, जिम्मेदारी किसकी है, कंपनी की है, क्या क्रिएट करने की, चार्ज क्रिएट आप करोगे 30 दिन के अंदर, पैसा मिलने के 30 दिन के अंदर। और आपको तो पता है क्रिएट करने के बाद एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, उसको बोलेंगे रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर ऑफ चार्जेस। यहां तक समझा क्या, पहले इतना बताओ फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले लिख लो एक। इस पे एक टॉपिक पढ़ाता हूँ ना मैं, ये लिख लो पहले, इस पे एक टॉपिक पढ़ाता हूँ। कंपनी के नीचे एक वर्ड लिख रहा हूँ, बताना सही गलत, बोरोवर लिख सकता हूँ, कभी कभी क्या होता है कंपनियां देश के बाहर से भी लोन लेती हैं, तो आप देश के बाहर ही कोई प्रॉपर्टी होगी उसी को गिरवी रख देंगे, अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है, कोई बिजनेस आपने अपने खरीद लिया, कोई फ्रेंचाइजी होगी आपके पास, वो गिरवी रख दो आप। ये नंबर 1 पॉइंट है इसका, ये नंबर 2 पॉइंट है, ये नंबर 3 पॉइंट है, ये नंबर 4 पॉइंट है, ये नंबर 5 है, बोलता है आप चार्ज कहीं भी क्रिएट करो, कोई दिक्कत किसी भी एसेट्स पे करो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो इंडिया के अंदर हो या इंडिया के, कोई इशू नहीं है। सही है ना, अच्छा मान लो आप दिल्ली में बैठ के चार्ज क्रिएट कर रहे हैं, बट प्रॉपर्टी लंदन में, चलेगा ना सर, लिखा तो है, कोई दिक्कत नहीं, रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए बस। अच्छा आपने वही बाहर किसी बैंक से लोन लिया, तो चार्ज क्रिएट कहाँ हो रहा है, अब हो सकता है जमीन यहाँ की गिरवी रखा, तो वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं।
टाइटल डीड्स में अदरवाइज, क्योंकि क्या होता आप एसेट्स तो गिरवी रख सकते हैं, बट जो एसेट दिख ही नहीं रही उसको गिरवी कर रखो। ट्रेडमार्क पेटेंट एंड कॉपीराइट्स का तो आप डॉक्यूमेंट ही गिरवी रखेंगे ना। इसके सेक्शन बहुत इजी है, मतलब 70 की सीरीज है, चार पांच सेक्शन में खत्म हो जाए। 77 आप याद कर लो, क्रिएशन ऑफ चार्ज, खत्म हो गए। आगे आ जाओ। सही है। अच्छा मेरा एक तुमसे सवाल है कि मतलब जरूरी भी है ज्यादा, जब तुमने पैसा दिया तो ये तो तुम्हारी भी, तुम्हारे को भी ज्ञान होना चाहिए ना कि 30 दिन में तुम्हारे नाम पर कुछ गिरवी रखा जाए। देखो ये पढ़ ली क्या अपन, डिबेंचर के लिए क्या बोला था, CH9 और अदर डिबेंचर क्या बोला था, तो एक्सेप्ट वही लिखा। कितने दिन के अंदर चार्ज क्रिएट करने के अंदर आपको 30 दिन में, तो वैसे मिलने के 30 दिन में चार्ज क्रिएट कर लेना और इसकी जानकारी किसको दे देना, ROC। आगे बढ़ू, अब ये आगे आपका एग्जाम का क्वेश्चन वाला, इस पे क्वेश्चन आता है। अब सुनो भाई साहब, सुनो 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 सुनो, अगर आप चार्ज क्रिएट कर रहे हो, सुनना पूरी बात है, आपने लोन कब लिया बताओ, ऑन और आफ्टर, बोलो ऑन और आफ्टर 2018। तो चार्ज क्रिएट करने की अवधि कितनी है, 30। बहुत बढ़िया, विथ नॉमिनल फीस। आपको पता है ना ROC को हमको पैसे देने पड़ते। अगर आपने 30 दिन के अंदर चार्ज क्रिएट, होता है ना कभी कभी गलती हो जाती है, टाइम लग जाता है, कहीं और से फ्री कराना पड़ता है एसेट्स को, कहीं और से फ्री कराना पड़ता है एसेट्स को, कहाँ ध्यान है, मत मेरे तरफ मत ध्यान दो, इधर देख। अगर 30 दिन में चार्ज क्रिएट नहीं किया तो अगले, और बट अब दिक्कत है, क्या लगेगी, नॉमिनल प्लस एडिशनल, जो लग रही थी वो तो लगेगी और एडिशनल भी लगेगी। अगर 60 दिन में भी आपने चार्ज रजिस्टर्ड, वो कितने मिलेंगे बोलो, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन 60 डेज, आपको और कितने दिन मिलेंगे। तो मेरा एक सवाल है, आप सुनना पूरी बात, ये 300 दिन का मतलब क्या है यहां पर, और 300 दिन का मतलब क्या नहीं, सुनना पूरी। ये हटा दो इसको पहले, तब ये है नहीं आपके कोर्स में, ये 300 दिन वाला ये नया है ना, इतने ज्यादा सुनो पूरी बात, पहले 30 दिन, फिर 30 दिन, वो 30 दिन, 60 दिन हो गए, और आगे कितना मिलेगा, क्या लिखा है, कहाँ पढ़े हो, वैलेरम का मतलब क्या होता है, वैल्यू के हिसाब से, जितना महंगा लोन रहेगा, जितनी महंगी प्रॉपर्टी रहेगी उतना आपको फीस लगेगी। तो यहां पर क्या होने वाला है, ना एडिशनल ना नॉमिनल, यहाँ क्या लगेगा, प्रॉपर्टी की और लोन की वैल्यू के हिसाब से, यानी फॉर इन परसेंटेज। ये काट देना है यार, ये ऐसा लिखा, इफ नॉट रजिस्टर्ड विद इन, क्या लिखा था, प्रीवियस, ऐसा लिखा, नॉट प्रीवियस 60 डेज। टोटल कितने दिन हो गए, 120, 120 लिख लिया एड वेलरम इन परसेंटेज, मतलब कैसा होगा, कैसे परसेंटेज, इससे 10 करोड़ की प्रॉपर्टी होगी तो बोलेगा 2%, मतलब बहुत कम होता है, मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, बोलता उतना पैसा दो आप, यहाँ तो क्या लग रहा था आपको, नॉमिनल था, नाम मात्र का था, 500 हजार रुपए लगते हो जाता काम, फिर यहाँ पर क्या लगा, एडिशनल, नॉमिनल प्लस एडिशनल, और यहाँ क्या बोल रहा है, बोलता है बहुत हो गया, तुमने कुछ किया नहीं, अगले 60 दिन अब तुम्हारे पास बचे लास्ट, तो तुम्हारे को एक परसेंटेज में पैसे लिए जाएंगे। बट ये कौन सी कंपनियों के लिए जो चार्ज कंप्लीट कर रही है, 2 नवंबर 2018 या उसके पहले, उसके पहले कुछ और था बहुत ही खतरनाक था उसके पहले, बताओ पहला पॉइंट क्या है, यहाँ लिख लो नॉमिनल फीस,
देखो नीचे क्या लिखा है, अगर 30 दिन में नहीं किए तो बताओ रजिस्टर्ड विद इन 300 days of creation. यहाँ लिखो मगर ये सिर्फ 72 70 days है. क्यों 270 बोल रहा हूँ मैं, ये 300 में पिछले 30 दिन इन्वॉल्व. मैं लिखा भी तो है ना क्रिएशन ऑफ पेमेंट. क्या देना पड़ेगा साथ में आपको, एडिशनल फीस. एडिशनल का मतलब समझ रहे प्लस नॉमिनल. नॉमिनल तो दोगे ना, बताओ अगर ये 300 दिन में भी नहीं किया तुमने. बोलो रे भैया अगर 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 नहीं, ये ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना इजी नहीं है. अगर ये 300 दिन में भी नहीं कर पाया, और कौन सी डेट आ गई, 2nd नवंबर. मैं एक लाइन बोलता हूँ इधर मेरे तो दिल, जब कोई भी नया कानून आता है तो कोई भी एग्जिस्टिंग कंपनी या एग्जिस्टिंग एंटिटी बोलती है नए कानून को अपनाने के लिए ट्रांजिशन फेज दो, हमको समय दो, क्योंकि हम तो सालों से पुराने कानून को अपना रहे हैं. तो हम तो मान के चल रहे थे कि कितने दिन है, 300 दिन आ गए. अब क्या बोल रहा है वो, अगर 300 दिन में भी नहीं किए तो रजिस्टर्ड करना पड़ेगा विद इन फ्रॉम दी 2nd नवंबर विद एडिशनल फीस. मतलब क्या हुआ इसका, अगर 2 नवंबर तक आपके 300 दिन खत्म तो आपको और कितने दिन मिल रहे हैं, 6 महीने मिल रहे हैं. 6 महीने मिल रहे हैं, जबकि लॉजिकली क्या होना चाहिए था, मानो ऐसा होना चाहिए था. सुनना पूरी बात, मैं एक लाइन बोलूंगा. मान लो 2 नवंबर तक आपके 150 दिन हो गए, और कितने दिन बचे, 600, और 6 महीने और मिलेंगे. विच एवर इज हाई, लोअर नहीं होगा यहाँ पर, अर्लियर होगा कि बाद वाला आएगा. नहीं अर्लियर होगा तो फिर मतलब क्या है, अर्लियर होना चाहिए. समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले 6 महीने आएंगे कि पहले 150 दिन आएंगे, तो होना वही चाहिए था. विच एवर इज अर्लियर, ऐसा लिखा नहीं है बट बता दो क्या बोला, समझा. 2nd नवंबर को आपको कितने दिन हो चुके थे, 150, और कितने दिन बाकी थे, कितने मिलेंगे आपको, 6 महीने और. तो विच एवर इज लिख सकते हो आप चाहो तो. कुछ बताया था मैंने आपको, चार्ज क्रिएट करने के लिए 9 का फॉर्म किस में जाता है, डिबेंचर आरओसी. 1 का किस में जाता है, अदर डिबेंचर, दोनों आरओसी. और आरओसी फिर उसको कायम रजिस्टर करता है सीएसजी 2 में. कहां पर डालते हैं, एमसीए के वेबसाइट. तो इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, यही है मेन. आप लिख देना, आप अगर आपके 300 दिन और आपके 6 महीने में से जो भी अर्लियर होगा वो विच एवर इज अर्लियर. तो एक एग्जांपल दो ना, विच एवर इज अर्लियर में कौन सा होगा. हालो 1 नवंबर को चार्ज क्रिएट किया आपने, अब 300 दिन कब आएंगे, 6 महीने से ज्यादा या 6 महीने से पहले, बोलो ज्यादा. तो विच एवर इज अर्लियर, 6 महीने. अरे समझो ना, लिखे वहां पर या तो 300 दिन या 6 महीने, विच एवर इज अर्लियर. एक बार चार्ज क्रिएट हो गया, आरओसी उसको रजिस्टर्ड करेगा, बोलते रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज कौन से फॉर्म में, किसके वेबसाइट पर डाल देगा, और वो क्या हो जाएगा, कंक्लूसिव एविडेंस हो जाएगा कि कंपनी ने कुछ ना कुछ गिरवी रखा है, प्रूफ है वो. और वो बात हमने कहां डाल दी है, पब्लिक नोटिस में डाल दिए ना. तो देखो बहुत सारी चीजें लिखी नहीं होती, हमको ऐड करना पड़ता. नहीं नहीं तो समझा नहीं, चार्ज क्रिएट करने की बात नहीं, 10-12 साल में फिर क्या जरूरत है, वो तो हो गया ना क्रिएट. ये तो उन कंपनी के लिए होगा जो 2 नवंबर के पहले ये काम करना होगा. 2 नवंबर के पहले के मतलब ये थोड़ा है कि 2010 में, ऐसा मान ले कि 2017 में कुछ हुआ होगा. अब उनको 300 दिन मिले तो 300 दिन खत्म होने के पहले कितना आ गया, 2 नवंबर आ गई, तो बोलता कितने दिन मिलेंगे उनको, 6 महीने, या तो 6 महीने या उनके 300 दिन जब खत्म होंगे. मान लो उसने 1 नवंबर को चार्ज क्रिएट किया और नया भी कब आया, 2 नवंबर को. अब इसका 300 दिन तो बाद में आएगा, 6 महीने पहले आएगा, तो विच एवर इज, पर मिल तो रहे ना उसको दिन, क्योंकि नए वाले रूल में तो सिर्फ मात्र कितने दिन मिल रहे हैं, 30 30 साल मात्र, ओरिजिनली 30 नहीं दिए तो एडिशन के साथ और 30 फिर आगे 60, ये तो बहुत कम दिन है. तुमको तो फिर भी ज्यादा दिन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है. ये एक्सप्लेनेशन लिखा है ऊपर, ऊपर जो चार्ट बना है ना उसका एक्सप्लेनेशन ये देख लो एक बार आप लोग, ये पूरा पढ़ लो.
आराम से पढ़ना, पूरा ऊपर से पढ़ना, पूरा ऊपर से। पूरा पढ़ो, पूरा पूरा प्रोनाउंसिएशन वाला पूरा पढ़ो। नॉर्मल और नॉमिनल एक ही होता है, नॉर्मल प्लस एडिशनल। और तीसरे वाले क्या बोला, नॉर्मल भी लेंगे एडिशनल भी लेंगे और जो वैल्यू का एक परसेंटेज भी लेंगे। सही है, जितने ज्यादा महंगे चार्ज होंगे उतना परसेंटेज ज्यादा होगा। मतलब इतना पहले तुम लोन इतना लेट क्यों कर रहे हो चार्ज क्रिएट करने के, उतना तुम पे वैल्यू लगे। सही है, मेरा एक सवाल है तुम लोगों से, मैं एक सवाल पूछूंगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज है जो कंपनी भरेगी, इसको वेरीफाई कौन करेगा भाई, कौन बताएगा कि ये सही भरा है? तो उसी के पास जाने से पहले वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा ना। अरे मैं कंपनी हूं, मैंने एक इंस्ट्रूमेंट भरा, उसका नाम क्या, इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज 9 और 1 क्रिएट किया चार्ज, और उसमें डिटेल भर दिया, 9 में डिबेंचर की डिटेल भरा और अदर देन डिबेंचर की, और एक इंस्ट्रूमेंट पूरा अटैच कर दिया उसमें। इसको वेरीफाई कौन करेगा कि सही है सब कुछ, कुछ भी एम्बिगस नहीं है, कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेरिफिकेशन ऑफ, आराम से पढ़ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता अगर प्रॉपर्टी कहां पर है, इंडिया में है, जिस पर चार्ज क्रिएट है। अब या तो वो प्रॉपर्टी पर पूरा चार्ज क्रिएट होगा या आधा, तो बताओ कौन करेगा इसका वेरिफिकेशन? जल्दी पढ़ो, डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी और ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ चार्ज ऑर्डर। चार्ज ऑर्डर के नीचे जल्दी से लिखो, क्या लिखोगे, क्रेडिटर। भाई क्रेडिटर ही बोलेगा ना, मेरा आदमी आगे देखेगा प्रॉपर्टी की डिटेल्स, मैं वेरीफाई करूंगा सब कुछ। क्या चेक करेगा वो आके, कागजात वागजात देखेगा ना, एग्जिस्टेंस है कि नहीं प्रॉपर्टी का। बताओ अगर ऐसी प्रॉपर्टी जिसको अपने गिरवी रखा है और वो कहा इंडिया के, तो फिर कौन कौन करेगा उसको वेरीफाई? पहला क्या लिखा है सर, पहले तो उस पर कॉमन सील रहेगी कंपनी की। दूसरा, अगर सील नहीं है तो किसका साइन रहेगा, डायरेक्टर का, तो उसका नहीं है तो कंपनी सेक्रेटरी, उसका भी नहीं है तो, और आगे अंडर द हैंड ऑफ सब पर्सन अदर देन कंपनी हु इज इंटरेस्टेड इन द मॉर्गेज और चार्ज। व्हाट इज इट मीन? क्या इंटरेस्ट है तो ये किसकी बात हो रही है, अदर पर्सन कौन, कौन सा क्रेडिटर? अरे इंडिया में, हाँ वहां भी तो पन्ने किसी के नाम हो सकता है, वही प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर भी गिरवी रखा हो, उनसे वेरीफाई करवा लेंगे वहीं के वहीं। देखो अगर अंडर द हैंड ऑफ सम अदर देन कंपनी, मतलब प्रॉपर्टी तो मेरी से, बट मेरे अलावा जिसका भी उस पर इंटरेस्ट है वो वेरीफाई कर लेना। तुम्हारी इच्छा है ना, तुम इंडिया में बैठे हो, तुम्हारी इच्छा है ना कि तुमको वेरीफाई करना है जाके कि मेरे पास यूके में प्रॉपर्टी है नहीं, जाओ जाके कर लो। तो जिसका भी इंटरेस्ट होगा वो भी जाके कर, यही काम इंडिया में क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में क्या चेक करेंगे, इंडिया में ये तीन तीन लोग काफी है। अब सुनो पूरी बात, सुनना पूरी बात। आपको एग्जाम में पूछेगा कि एक्स ने 1 करोड़ का लोन लिया एचडीएफसी से,
50 लाख की प्रॉपर्टी इंडिया में, इन इंडिया, और 50 लाख की प्रॉपर्टी कहाँ है, आउटसाइड इंडिया। तो सर इसमें किससे वेरिफिकेशन, और दोनों प्रॉपर्टी का इंस्ट्रूमेंट एक ही है, दोनों की डिटेल एक ही इंस्ट्रूमेंट पर डाल दिया है, तो फिर इसका वेरिफिकेशन कौन करेगा? अरे बोलो ना, ऑब्जेक्टिव में आएगा। एक करेक्ट ही है ना इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट तो एक ही है, तो एक ही आदमी साइन करेगा। तो यहां एक वर्ड लिखा, देखो क्या लिखा, अगर प्रॉपर्टी आधी भी इंडिया में है तो ये 3 करोड़ है ना, आधी इधर, तो इधर बैठे हुए 3 लोग करेंगे, कौन 3 लोग, डायरेक्टर करेगा, सेकेटरी करेगा, या फिर चार्ज होल्डर का कोई ऑथराइज करेगा, सही है कि नहीं? अच्छा क्वेश्चन है, आता है एग्जाम कि अगर पार्टली है तो उसमें वेरिफिकेशन ये 3 लोग ही करेंगे, तो वेरिफिकेशन समझ रहे ना, कागजात असली है, सही में जमीन है, रहे झूठ नहीं बोल रहा है, मशीन भी है झूठ नहीं बोल रहा है, इन्वेंटरी में सामान रखा हुआ है, ऐसी परचेज नहीं किया है, डॉक्यूमेंट नहीं है, बराबर है सब कुछ। बताओ ये समझ रहा है कि आपको? 78 मैंने अभी पढ़ाया आपको थोड़ी देर पहले। चलो एक हिंट देता हूं, अगर 30 दिन में कंपनी ने तुम्हारे नाम पर चार रजिस्टर्ड नहीं की तो तुम चले जाओ ना कंपनी के खिलाफ, तुम बोला आरओसी को, अरे मैं वो डिबेंचर होल्डर हूं या मैं अदर देन डिबेंचर होल्डर। पढ़ो ये पॉइंट क्या लिखा, इफ कंपनी फेल्स टू रजिस्टर चार विद इन, क्रिएट तो कर ली है बट अभी तक आरओसी को बताया नहीं है, तो कौन जाएगा फिर, एप्लीकेशन कौन देगा बताइए, बाय द कौन से फॉर्म में, अगर डिबेंचर होल्डर होगा तो कौन से फॉर्म में जाएगा, साइन लेके जाएगा, और अदर देन डिबेंचर होगा तो, अभी सुनना पूरी बात, ये वाला टॉपिक अच्छे से बताता हूं, सुनना, पढ़ो क्या लिखा, इफ चार्ज इज नॉट रजिस्टर्ड बाय कंपनी विद इन इनिशियल 30 डेज, फिर उसके बाद तो और 30 दिन, फिर और 60 दिन, तो अब जिसके जिसने लोन दिया है तो वो भी तो अवेयर होगा ना, लेट द बायर बी अवेयर, बोलता भाई तू चले जा किसके पास, बोला एक भी करो, बोला मेरे नाम पर ही ये रजिस्टर्ड करो, मेरे नाम पर एक रजिस्टर बनाओ और वो एमसीए की वेबसाइट पर डालो कि मैं, मेरे पास गिरवी रहेगा। इसका चार्ज एप्लीकेशन दिया किसने, चार्ज होल्डर ने, किसको, आरओसी, बोलेगा ठहर भाई थामा, अभी तो 30 दिन ही खत्म हुए, कंपनी को तो और 30 दिन मिलते हैं, उसके बाद और 60 दिन मिलते हैं, रुक जा मेरे को कंपनी से पूछने दे, कंपनी को नोटिस देगा कितने दिन का, बोलेगा आप बताइए जरा कि क्या हुआ, आपने क्यों नहीं उनके नाम पर चार रजिस्टर्ड किया, अगर कंपनी का रीजन जस्टिफाइड लगा, कह रहे वो कहीं और गिर गई थी तो वहां से क्लियरेंस लाने में समय लगा, अरे वो माल बेच दिया था बट पैसा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। देखो अगर कंपनी ने कोई ऑब्जेक्शन तो फिर रजिस्टर्ड कर देंगे चार्ज को, बट अगर कंपनी ने ऑब्जेक्शन लिया और कंपनी ने क्या बोला, अरे रुको यार अभी तो 30 दिन ही हुए हैं, मैं करता ना अगले 30 दिन में एडिशनल फीस के साथ, कंपनी विल रजिस्टर विद एडिशनल फीस, या मेरे पास सफिशियंट रीजन है किसका, डिले होने का, अरे मेरे पास में जो जमीन गिरवी मैं रखना चाह रहा था इनके नाम पर वो गवर्नमेंट के पास गिरवी थी तो वहां से क्लियरेंस होने में बहुत टाइम लगा, नई सरकार चुन रहे थे, इलेक्शन चल रहा था, तो फिर क्या बोलेगा आरओसी साल डॉलर का, रुकना भाई उसके पास समय है, अब तक तुम तेरा नहीं करूंगा मैं रजिस्टर, तो क्या लिखा, आरओसी विल नॉट, बोलेगा रुक जा उसको और 30 दिन है, और 30 दिन में नहीं तो और 60 दिन कर देगा भाई। अगर आप कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो जाएंगे ऐसे चार्ज होल्डर तो आरओसी आप पर तुरंत भरोसा, बोलता पहले मेरे को 14 दिन देने दे उससे बात करने दे, अगर उसकी बात में दम है तो मैं तेरे चार्ज को रजिस्टर्ड, और अगर उसने 14 दिन में कोई जवाब नहीं दिया तो मैं तुरंत क्या कर दूंगा, कौन सा सीएचजी, अगर सही है, लिख लो ये, लिख लो, हेल्प करेगा काफी, फटाफट लिख लो, मतलब यहां क्या प्रूफ हो रहा है, इसका मतलब कंपनी कभी 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 30 दिन में नहीं कर पाती, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो करना नहीं चाहती, इतना आसान नहीं होता ना भाई गिरवी रखना, समय लगता है, प्रोसेस होती है पूरी, बोर्ड मीटिंग होती है।
और मैंने वहां बहुत क्लियरली आपको हिंट दे दिया, ये सिर्फ इनिशियल 30 डेज की बात है, इसका मतलब कंपनी के पास और 90 दिन थे, ठीक है नहीं थे? ये इतना छोटा चैप्टर, पूरा सबसे छोटा चैप्टर है, बट हर साल साला पता नहीं इसमें से 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं एक पेज के, क्योंकि वो नवंबर वाला जो पढ़ा है ना अभी, वो देता है बड़े बड़े मुझसे क्वेश्चन। बढ़ू आगे, ये लिखे आपने, ये लिख लो यार, नोटिस किसको जाएगा? कंपनी में जाएगा, कंपनी लेटर है, आस्क फॉर एनओसी, व्हाट इज एनओसी? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, याद है कुछ आपको? भी ऑब्जेक्शन तो नहीं है तो रुको भैया, देखने दो, एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। सही है, हाँ लेना बेटा, आगे बढ़े। इजी है ऐसा, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। अब सुनना पूरी बात, पूरी बात सुनना, बात सुनना, सेवेंटी सेवन में क्या पढ़ा है अभी? क्रिएशन ऑफ चर्च। सुन फिर, अगर आपने मेरे नाम पर चार्ज क्रिएट किया सी एच जी टू में, नहीं क्रिएट करने के लिए 1 और 9 रजिस्ट्रेशन के लिए 2, अब ड्यूरिंग द चार्ज मुझे पता चला एज ए क्रेडिट, ड्यूरिंग द चार्ज जब भी लोन आपके पास था उस वक्त मुझे ये चीजें पता चली, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ चार्ज में ये सब चेंज कर दिया, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज कर दी मेरे से भी ना पूछे, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट अदर देन बैंक रेट, आपने अपने मन से इंटरेस्ट रेट को या तो बोलो क्या कर देंगे, कम कर दिया, ये तो गलत बात है, मैं तो आपसे बैंक रेट वाला लूंगा, जो बैंक चार्ज करेगा मैं आपसे वही लूंगा ना। तीसरा रीपेमेंट शेड्यूल का मतलब क्या होता है, 4 साल के लोन को आपने 6 साल का कर दिया, मेरे से पूछा नहीं आपने, सिर्फ यहां पर पॉसिबल नहीं है रीपेमेंट नॉट अप, क्यों? क्योंकि 1 साल के अंदर कभी भी ले सकते हैं। बताओ आपने चार्ज क्या कर दिया, पार्शियली किसी और के नाम पर गिरवी रख दिया, मेरे नाम से उसको हटा दिया। आगे पढ़ो, लिमिट्स जो थी इंटरेस्ट रेट्स की और टाइम की अमाउंट की, वो क्या कर दिया आपने, या तो डिक्रीज या, चलो एक सवाल का जवाब दो, अगर आप टाइम पीरियड को बढ़ाते हो तो क्रेडिटर को दिक्कत होगी ना, मैं क्यों रुकू इतने साल,
और अपन तो पढ़ चुके हैं, अगर टाइम बार डेट है तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, 3 साल। और लास्ट क्या लिखा है, आपने सेम जमीन पर एक और चार्ज क्रिएट कर दिया, कैसा, पेरी पासू, एक जैसा। 1 करोड़ की जमीन थी, 1 करोड़ की जमीन थी वो ऑलरेडी मेरे पास गिरवी है 1 करोड़ के लोन पर, आपने सेम 1 करोड़ का लोन कहीं और से और सेम जमीन को क्या कर दिया, तो एक गलत बात है। तो अगर ये सब हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन, क्या बोलेंगे। और क्रेडिट कंपनी को बोलेगा भाई साहब ये पूरी डिटेल किसको दे तू, आरओसी को। मुझे जल्दी बताओ आरओसी क्या करने वाला, कौन बताए, आरओसी ने जो CSG2 भर के रखा, कहां पर, MCM है वहां पर, वो पूरा एडिटिंग वेडिटिंग करेगा, बोलता है एडिटिंग मत कर, CSG2 को वही रहने दे, एक नया फॉर्म पर CSG3, उसको क्या नाम देंगे हम लोग बताइए, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, क्या बोलेंगे, मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज। मतलब आपके नाम पर दो फॉर्म है वहां पर, पहले एक CSG2 ओरिजिनल चार्ज और एक CSG3 जो ओरिजिनल में क्या हो चुके हैं बहुत सारे मॉडिफिकेशन, लिख लो ये 79। अच्छा एक और सवाल है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा है चार प्रॉपर्टी को बेच सकता हूँ क्या मैं, सोचो हाँ या ना, मैं तो नहीं बेच सकता हूँ, अगर दूसरी प्रॉपर्टी दूसरी कंपनी रेडी है मैं चार्ज क्रिएट कर दूंगा। अरे भाई एग्जाम्पल देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन ने लोन लिया किससे, टाटा ने क्या बोला, तेरे पास तेरी जो जमीन तूने HDFC के पास गिरवी रखा ना वो मेरे को खरीदना है, मेरे को चाहिए। तो रिलायंस ने बोला जमीन या चार या टावर, टाटा वाला बोला मेरे को वो टावर चाहिए जो गिरवी है, तो रिलायंस ने बोला वो तो गिरवी, अरे बोले मेरे को दे दे, मेरे को दे दे वो, मैं उसको गिरवी रख दूंगा HDFC के नाम पर। तो पहले तेरे नाम पर गिरवी थी, अब मेरे नाम पर रहेगी। तो यहाँ जो जो कंपनी एक्वायर करी प्रॉपर्टी को वो चार्ज क्रिएट करेगी दोबारा से। अरे बोलो ना, पढ़ो क्या लिखा, HDFC के सामने मैंने लिखा लेंडर, रिलायंस के सामने लिखा मैंने चार्ज कंपनी, टाटा ने क्या बोला मैं एक्वायर करना चाहता हूँ तुम्हारी प्रॉपर्टी को, है ना, जल्दी से पढ़ो हिंदी में क्या लिखो, बोले उस प्रॉपर्टी में से बोलो रिलायंस का नाम हटाया जाएगा और टाटा का नाम लाया जाएगा, अगर वाला अगर जल्दी बोलिए कौन से फॉर्म में जाने वाला है, सर वो डिपेंड करता है ना कि HDFC ने क्या लिया है, डिबेंचर खरीदे हैं या फिर अदर डेट डिबेंचर, अगर डिबेंचर होंगे तो कौन सा फॉर्म होगा, 9 अदर डेट डिबेंचर होगा तो कौन सा होगा, हमें को जल्दी से बताओ, पहले तो चार्ज किसके नाम पर रजिस्टर्ड था, रिलायंस के नाम पर, किसके नाम पर रजिस्टर्ड होगा, और ये काम किसको करना पड़ेगा, टाटा को खुद करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है एक प्रकार का मॉडिफिकेशन है कि नहीं है, जो प्रॉपर्टी पहले किसी और की थी अब किसी और की, ये सब आपको लिखना है। मगर ये जिम्मेदारी किसकी होगी, टाटा की ना, जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने खरीद चुका है या खरीदने वाला है, खरीदने वाला, हाँ मतलब बाद में तो ले ही लेगा ना, ये देखना फिर क्या लिखा मैंने, जैसे ही टाटा ने वो प्रॉपर्टी को एक्वायर्ड किया कौन सा सेक्शन फॉलो करेगा, आपको तो पता 77 क्या है, 19 30 दिन के अंदर विद नॉमिनल फीस, नहीं किए तो 30 दिन के अंदर एडिशनल फीस, नहीं किए तो 60 दिन के अंदर एड वैलोरम, पूरा 77 बोला मतलब पूरा दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सिर्फ एक ही फर्क है अगर CSG2 ऑलरेडी है तो यहाँ पर क्या होगा CSG3, लिख लो पूरा 79। सोचो कर सकते हैं ऐसा कुछ, याद आ रहा है तुम कंसिडरेशन पे कुछ पढ़े थे, थर्ड पार्टी देती है ना, थर्ड पार्टी कैन पे, पहले वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा तो कर सकते हैं ना, क्यों नहीं कर सकते, याद आ रहा है तुम कुछ, कन्वेनेंस रनिंग विद द लैंड, कि जमीन के साथ कुछ कंडीशन है, कंडीशन के साथ खरीदेगा, हाँ खरीदूंगा मैं, चुकाऊंगा टेंशन मत ले, अब मतलब अगर उसने जमीन का मतलब जो लोन का पैसा चुका दिया तो जमीन से ले जाएगा, फिर वो जमीन का अमाउंट उतना देने की जरूरत, तो बट पढ़े तो है चीज, हर पढ़ेंगे नहीं, 79 है ये मॉडिफिकेशन, इसमें 77 भी आ जाएगा, क्रिएशन ऑफ चार्ज, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज। मैंने आपके एग्जांपल के लिए लिख भी दिया कि जो कंपनी एक्वायर्ड कर रही है उसका नाम क्या लिखा है, टाटा, और जो अदर कंपनी जिसके पास प्रॉपर्टी थी वो कौन है,
तो अगर रिलायंस का डिबेंचर इशू किया था तो टाटा कौन सा फॉर्म भरेगा, और अगर अदर देन डिबेंचर होगा तो बट आरओसी क्या करने वाला है यहाँ पर, सीएचजी टू के सीएचजी थ्री फ्री करेगा सर, मॉडिफिकेशन करेगा। अरे ये तो बहुत होता होगा बिजनेस लाइन में, ये मुकेश अंबानी की जो कंपनी है उसने अनिल अंबानी की कंपनी का पूरा टावर खरीद लिया, ये तो शर्त पे खरीदा, तो तेरा लोन मैं चुकाऊंगा, टावर मेरे को दे। हेलो नमस्ते, हाँ बोलिए, देख रहा हूँ मैं तो मैं देख रहा हूँ तो 79 तो चार लाइन का है, 77 दोबारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर मेरे को वापस से आ गया मैसेज, अबे कैसा रहे, मैंने तो लिंक ओपन कर दिया ना, मेरे को निधि ने भेजी, मतलब निधि के अकाउंट से आया था, मेरे को टेलीग्राम मेरे को टेलीग्राम से ही मैसेज आया, डू नॉट गिव दिस कोड टू एनीवन इवन दे आर फ्रॉम टेलीग्राम। अरे इसको भी आया ना मैसेज अभिषेक की तरफ से, देखो नहीं अलग अलग नाम से आ रहे हैं, वैसे एक जन को आया क्लिक माई फोटोज, निधि से स्क्रीन शॉट मांगेगी ना, वो स्क्रीन शॉट में आएगा नहीं, स्क्रीन शॉट में शो नहीं होता, बहुत कमी कितना गलत है मेरी, ये मॉडिफिकेशन लिख लो, चलो कर लो बातें मत करो, बाय क्रिएटिंग पेरी पासो चार्ज सेम जमीन पर आपने एग्जैक्टली सेम चार्ज क्रिएट कर लिया, तो अपन ने क्या पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं है अगर दोनों पार्टी राजी है तो कोई दिक्कत, बट फिर ये चार्ज का मॉडिफिकेशन, फिर ये बात भी कहां डाली जाएगी, एमसीए की वेबसाइट पर डाली जाएगी। सही है, ये नीचे लिखे कि अगर मॉडिफिकेशन है तो ये पूरी प्रोसेस आएगी, क्या होगा, आरओसी के पास वापस से सीएचजी बन जाएगा, सीएचजी 9 जाएगा, डिबेंचर अदर डिबेंचर, फिर आरओसी क्या करेगा, सीएचजी 3 में मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज को रजिस्टर्ड कर देगा।
मैं वही बता रहा था, मुकेश अंबानी साहब की जो कंपनी है अनिल अंबानी कंपनी, अनिल अंबानी का भी पहले काम था ना रिलायंस कम्युनिटी टेली कम्युनिकेशन, सीडीएमए करके फोन निकाला था, तो उसके बहुत सारे टावर होंगे जो अनयूज होंगे क्योंकि कंपनी तो फेल हो गई। तो मुकेश अंबानी साहब ने यही बोला ना कि मेरे को तो वाईफाई भी चलाना है, मेरे को तो बहुत कुछ चलाना है, तो तेरे जितने भी टावर से रिलेटेड प्रोजेक्ट मेरे को तेरे, तो उन्होंने भी एक शर्त रखी कि मेरा लोन तो चुका दे। तो फिर क्या होगा, मुकेश अंबानी साहब को क्या करना पड़ा, जो भी क्रेडिटर होंगे उनके नाम पर चार्ज क्रिएट करना पड़ा, क्या मैं दूंगा इसके पैसे, ये लिखे क्या आपने वो सिग्निफिकेशन क्या बोल रहे मॉडिफिकेशन रजिस्टर्ड नहीं तो आरएस रिक्वायर्ड। हां तो क्या हो गया, सही तो लिखा है क्रिएट हो गई सीएनजी में मैनुअल। हां तो क्रिएट फॉर्म तो यही भरना पड़ता है ना अपने को, प्रोसेस लिखी है ना सीएनजी में मैनुअल में बनी सारी की कौन सा आईडी नंबर ये क्रिएट कंपनी कंपनी करती है नहीं दोनों कर सकते, कंपनी भी कर सकती है भी कर सकते, नॉर्मली कौन करता है, कंपनी तो कंपनी करेगी ना, बट एप्लीकेशन लेके जाएगा कौन, शिकायत कौन करेगा, चार्ज ऑर्डर करेगा। कंपनी को बता देंगे अपन कि भाई हमने आपके नाम पर एक मॉडिफिकेशन रजिस्टर्ड कर दिया है। आगे बढ़ू, ये एग्जांपल भी लिख, कौन सा वाला, हाँ ये लिखो ना, पूरा लिखो, पूरा लिखो, ऐसा लिखना सेक्शन 79 का पूरा। टाटा के बाजू में लिखो मैंने एक्वायरिंग कंपनी, रिलायंस के बाजू में क्या लिखेंगे चार्ज कंपनी, एचडीएफसी के बाजू में क्या लिखो मैंने लेंडर, टाटा वॉन्ट्स टू एक्वायर प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टू देम, मेरे को प्रॉपर्टी चाहिए, मेरे को बहुत काम है उसका, तेरे पास वैसे भी गिरवी रखी हुई है जबरदस्ती, तो क्या बोला हमने कोई दिक्कत नहीं है, टाटा को हमने क्लियरली बोला आप 77 फॉलो करो, व्हाट इज 77, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज, क्रिएट करो रजिस्टर्ड करो, क्रिएट करो रजिस्टर्ड करो, क्रिएट करने के लिए क्या करोगे अगले 30 दिन में CHG 1 फाइल करोगे या CHG 9, फिर ROC क्या करेगा उसको रजिस्टर्ड कर देगा आपके नाम। रजिस्ट्रेशन में ही तो क्रिएशन होगा ना, क्रिएशन के बाद ये लिखा ना प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट टू देम, मैंने रीजन भी लिख दिया, तो टाटा का एरो बना दिया मैंने एचडीएफसी के पास, क्या सेक्शन 77 CHG 1 CHG 9, उस प्रॉपर्टी पे से रिलायंस का नाम हट जाएगा और टाटा का नाम आ जाएगा, सही है, और जैसे ही टाटा का नाम आएगा उसको क्या कंप्लाइट करना पड़ेगा, कंप्लाइट बोलो सेक्शन 77, ये भी क्या है एक प्रकार का मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज है, तो अब ROC के पास डिटेल रहती ऑलरेडी किसके नाम पे, रिलायंस के नाम पे, अब वही डिटेल किसके नाम पे करनी पड़ेगी, टाटा के नाम पर, तो पहली वाली CHG 2 में थी, ये किसमें हो जाएगी CHG 3 में, दोनों डिटेल किसमें डाल देंगे हम लोग वेबसाइट पे MCA की, फिर आगे बढ़ू लिख लिए, ये भी हो गया ये भी हो गया भाई, ये नॉन रजिस्ट्रेशन पढ़ लो बहुत इजी है, अगर आपने क्रिएट तो किया मतलब आपने अपने अंदर तो अपने 30 दिन में एक रजिस्टर तो बना लिया, बट वो बात अभी तक ROC को नहीं बताई, तो क्या लिखा पड़े, द सिक्योरिटी बिकम्स वॉइड बाय नॉन रजिस्ट्रेशन, इट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग बट इट कैन बी मेड वैलिड बाय, अच्छा अभी नहीं किया तो आगे कर ले, क्या था वो क्या पढ़ा था, अभी 30 दिन नहीं तो आने वाले 30 दिन में आगे पढ़ो क्या लिखो, अगर यही हरकत कब हुई है तो वो लिक्विडेशन में क्या होगा, जो क्रेडिटर होगा जो अभी तक क्या है अनरजिस्टर्ड है उसको भी क्या माना जाएगा,
अनसिक्योर्ड क्रिएटर का गधा है तो गया क्यों नहीं? अगर 30 दिन में उन्होंने अभी तक तेरे नाम पर रजिस्ट्रेशन तो जाना जाके देखना क्या है। और लास्ट क्या लिखा है, द सिक्योरिटी बिकम्स वॉइड बाय बट इट डज नॉट अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्लिगेशन ऑफ कंपनी टू रिपे द। अच्छा भाई तेरी प्रॉपर्टी पे मेरा हक नहीं बट तेरे पैसे पे तो मेरा हक है, वो तो ले सकता हूँ वापस में, है कि नहीं? प्रॉपर्टी मेरे नाम पर गिरवी नहीं है बट पैसे तो देगा ना तुम्हें। ये चार्ज पैसे के लिए हो रहा है कि प्रॉपर्टी के लिए हो रहा है? प्रॉपर्टी, पैसा नहीं दिए तो प्रॉपर्टी बेची जाएगी, अकल लगाओ। पैसा दे दिए तो प्रॉपर्टी वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ये अभी पढ़ाया 70। देखो मैंने मॉडिफिकेशन में बहुत सारे पॉइंट लिखा है, अब ऐड कर देना, इसमें चार है। सही है, बैंक रेट का मतलब क्या होता है बताओ? जो आरबीआई लगाता है कमर्शियल बैंक्स पर, आरबीआई चार्ज करता है कमर्शियल बैंक। चलो यहां तो ठीक है क्या? सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट बचा है, छोटे छोटे सेक्शन बचे, ज्यादा नहीं बचे, आखिरी में रख, कल खत्म हो जाएगा जब फिनिश, कल डन 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 डन। ठीक है, कल डन कर देंगे अपन, अभी अपन ने काफी सारा पढ़ लिया आज। ठीक है।